5 to 6 टाइम या फिर एवरीडे एक एक साइकिल ड्रॉ करो, लर्न हो जाएगा. थोड़े से एंजाइम्स के नाम जो है वो थोड़े ट्रिकी है, या फिर आप जो कन्वर्जन है जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है याद रख. तो आप रेगुलरली ड्रॉ करोगे ना एज अ पिक्चर, आपको वो हो जाएगा. पोस्ट बनाया आपको सोनाली मैम, देखो. हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम. तो हम लोग ने फर्स्ट ये पढ़ा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ओके, इसमें अच्छा से दिख रहा है इसलिए हमने ये डायग्राम किया. और एंजाइम्स है हेक्सोकाइनेज, हमने एक ही एंजाइम को याद रखा. फिर ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, फिर वो आगे कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. अभी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है. मतलब इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें भी 6 कार्बन है, बट जो उनका स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है. ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में मिलता है, और फ्रुक्टोज ये जो शुगर है वो हमें फ्रूट से मिलती है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए उनको आइसोमर्स बोलते हैं. तो आइसोमर्स आर द थिंग जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है, इसलिए उस एंजाइम्स को भी उसी तरह से नाम दिया है फॉस्फोहेक्सोस. हेक्सोस मतलब 6 कार्बन कंपाउंड, आइसोमरेस. ये स्टेप समझा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ये डी को मत याद रखो, सिर्फ ग्लूकोज से याद रखो. ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. ये स्टेप समझा निकिता? ड्रॉ किया आप लोगों ने, आपके बुक में ड्रॉ किया जैसे है? यस मैम, कर रहा हूं. तो अभी यहां पे आप देख रहे हो कि जो एरो है वो वन साइडेड है. यहाँ पे जो एरो है वो वन साइडेड है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रही है बस. बट ये जो एरो देख रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन का, रिवर्सिबल मतलब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट वापस ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है. रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़े है ना केमिस्ट्री में, पता है किसको? ये इरिवर्सिबल है, मतलब ये वापस इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इरिवर्सिबल है. और ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, इसलिए एरो दोनों तरफ है. फिर ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट विद द एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. उसमें भी हमें एनर्जी लगती है, और जो एनर्जी है एटीपी जो है वो कन्वर्ट होता है एडीपी. यहाँ तक तीन ये समझे स्टेप्स? तीन स्टेप समझे सबको? जी मैम. फिर ये जो फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोएसिटोन फॉस्फेट. दो फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट है. ये दोनों भी आइसोमर्स है, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है इन दोनों का भी, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन. वो कौन से एंजाइम से कन्वर्ट होते हैं? अल्डोज. ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है, इसलिए एरो जो है वो दोनों तरफ है. यहाँ तक समझा रिएक्शन? यस मैम. फिर जो अभी ये क्या करेगा, डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. आगे का जो रिएक्शन हो रहा है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट थ्रू हो रहा है. ये डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज. फॉस्फोट्रायोस तीन कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसको ट्रायोस बोला गया है. यहाँ पे 3 दिख रहा है ना सबको?
ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस कन्वर्ट हो जाएगा डीएसएलडीएच 3 फॉस्फेट में. तो अभी हमारे यहाँ पे ये स्टेज पे दो मॉलिक्यूल है डीएसएलडीएच 3 फॉस्फेट के. फिर ये डीएसएलडीएच 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेस. ये एंजाइम का नाम जो जो बोल रही हूँ बस वही याद रखो, बाकी का ये सब मत याद रखो, चलेगा. सिर्फ एंजाइम्स के नाम याद रखो और कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, और जो एरो है वो दोनों तरफ है, इसलिए ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है. फिर ये 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. यहाँ पे भी जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी, मतलब यहाँ पे एनर्जी बन रही है, एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, तो यहाँ पे एनर्जी बन रही है. बट जहाँ पे हमारा एटीपी कन्वर्ट हो रहा था एडीपी में, वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज्ड हो रही थी, वहाँ पे एनर्जी लग रही थी, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. तो जहाँ पे एनर्जी लग रही है, जहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है वो भी आपको लिखना है, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो भी आपको लिखना है. तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. तो अगर एंजाइम्स के नाम प्रॉपरली पढ़ रहे हो तो एंजाइम्स के नाम जो है वो आपके प्रोडक्ट के नाम के बेस्ड है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. मतलब 3 मॉलिक्यूल जो है वो 2 में कन्वर्ट हो गया, 3 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो गया. फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनोलेज. इनोल दिख रहा है बीच में, इनोल के लिए एंजाइम यूज किया इनोलेज. फिर यही फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा फाइनल स्टेप है एंजाइम रिएक्शन का, पाइरुवेट. बट पाइरुवेट में कब कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बट जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टेट में. समझा? यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, जो एडीपी है वो कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में, वैसा वैसा. तो ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, एनर्जी बन भी सकती है, एनर्जी यूज भी की जा सकती है. समझा यहाँ तक सबको? एक बार वापस रिपीट करूँ साइकिल? यस मैम. यस मैम. यस मैम. हमारा रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या है? पाइरुवेट है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो पाइरुवेट रहेगा, पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज, और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज. तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये डी मत याद रखो, आगे वाला चलेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. और यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, इसलिए एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया. फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो आइसोमर, अपने ही आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा. आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला. तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज. हेक्सोज क्यों? 6 मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, इसलिए हेक्सोज बोला गया. यहाँ तक समझा सबको? फिर जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. यहाँ पे भी एनर्जी, मतलब फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, सेकेंड में नहीं हो रही है, थर्ड में भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है. फिर उस एंजाइम का नाम दिया है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. उस एंजाइम का नाम दिया है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1.
फिर ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 5 फॉस्फेट. फिर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोज ये स्प्लिट हो जाएगा. ये 6 फॉस्फेट जो है 6 मॉलिक्यूल्स है वो 3-3 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये दो ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे. उसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट लिखना है तो लिख लो और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. फिर ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो आगे रिएक्शन में नहीं जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज. ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है. फिर आगे कौन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे जाएगा. फिर वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट कौन से एंजाइम थ्रू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज. डीहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को निकाल देना वही नाम है ग्लिसरल्डिहाइड. एंजाइम का नाम भी वही है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज. एंजाइम्स का नाम आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर ही बेस है. फिर ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा. कौन से एंजाइम्स के फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. फॉस्फोग्लिसरेट आगे काइनेज लगा दिया. फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट म्यूटेज. फिर ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो पाइरुवेट का सेकेंड लास्ट स्टेप जो बोलते हैं साइकिल का वो इसलिए फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो नाम है उनको प्रॉपरली याद रखो. फॉस्फरस है इनोल एंजाइम है और पाइरुवेट है इसलिए उसका पूरा कंप्लीट नाम हो गया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट. चाहिए तो ब्रेक डाउन करो सेंटेंस को वर्ड को ब्रेक डाउन करके याद रखो. इन फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट में with the help of enzyme pyruvate kinase. और अगर absence of मतलब anaerobic condition रहेगी जहाँ पे oxygen नहीं है तो glucose जो है वो lactate में convert हो जाता है with the help of enzyme lactate dehydrogenase. But यहाँ पे oxygen present है तो वो pyruvate तक आके रुक जाएगी reaction. Pyruvate last product है. Pyruvate पे आके reaction stop हो जाती. सबने बनाई अपने बुक में रिएक्शन. यस मैम. आप किया है एंजाइम्स के नाम प्रॉपरली लिखे हैं. एंजाइम्स के नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक्स नहीं करने हैं आपको. जो नाम आप लिख रहे हो उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. जो आप बोल रहे हो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. मतलब अगर आपको ओरली किसने साइकिल बोलने के लिए बोला तो उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. एंजाइम्स के नाम जो है वो फर्स्ट स्टेप वाला जो एंजाइम है वो उसी में लिखो. एंजाइम्स को भी शफल मत करो. मतलब एक फर्स्ट रिएक्शन वाला एंजाइम सेकंड वाले में लिख दिया सेकंड को लास्ट में लिख दिया. एंजाइम्स का जो सीक्वेंस है वो भी प्रॉपरली लिखो क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस की जो पाथवे है वो पूछा जाता है. 110% ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पूछा जाता है. भले आप बीएससी करो एमएससी करो ये पाथवे आपको हर जगह पे पूछा जाता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट पाथवे ये. और अगर आपको ओरली किसने बोलने के लिए बोला वाइवा में या फिर ओरल एग्जाम में तो आपको आना चाहिए. एंजाइम्स के नाम प्रॉपरली आने चाहिए. तो ऐसे एकदम फिट कर लो अपने माइंड में ये साइकिल कैसे होता है. इसमें कोई प्रॉब्लम है या फिर वापस एक बार और एक्सप्लेन करूं. मैम एक बार वापस पढ़िए ना. आपने लिखा है किसने लिखा है प्रॉपरली अच्छे हैंडराइटिंग में किसने लिखा है. प्रज्ञा लिखा है आपने साइकिल. यस मैम. हाँ प्रज्ञा मुझे आप एक्सप्लेन करोगे. कौन
कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? जिस जिस किसी को आता है एक्सप्लेन करो. कोमल, नीलम, निकिता, दो दो निकिता है हमारे यहाँ पे. फर्स्ट फर्स्ट स्टेप्स कोई तो एक्सप्लेन करो मुझे. फर्स्ट स्टेप क्या है? बोलो मैम. हाँ बोलो, कोई भी बोलो. चलो एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें हेक्सोकाइनेज ग्लूक एंजाइम यूज किया जाता है. मैं बताऊं रिएक्शन कैसे पढ़ते हैं? मैं बताती हूँ रिएक्शंस कैसे करते हैं. ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम की मदद से? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के मदद से. और यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज्ड हो रही है इसलिए एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में. ऐसे रिएक्शंस को पढ़ा जाता है. ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट वर्ड यूज करते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज एंड एनर्जी इज यूटिलाइज इन अ फॉर्म ऑफ ATP which convert ATP into ADP. समझा? Yes ma'am. वैसे आपको second reaction पढ़ना. कौन पढ़ेगा second reaction? कौन अभी हाँ बोल रहा था? मैं प्रणय. हाँ? प्रणय. हाँ प्रणय start. अभी आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बोलो. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट टू डी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद हेल्प ऑफ एंजाइम. कौन सा एंजाइम है इसमें? फॉस्फेटिंग आइसोमर. आइसोमरेज. एंजाइम के नाम प्रॉपरली पढ़ो. चलो थर्ड रिएक्शन कौन पढ़ेगा? हाँ कोमल पढ़ो. थर्ड रिएक्शन पढ़ो. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम. बेटा बाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. And ATP ATP form ADP. ATP convert to ADP. Convert बोलते हैं हम. Next reaction कौन पढ़ेगा? वहाँ पे rise hand का option रहता है, आप वो भी कर सकते हो अगर. Next reaction कौन पढ़ेगा? करीम, करीम आप पढ़ोगे नेक्स्ट रिएक्शन? यस मैम पढ़ता हूँ मैं. हाँ मैम. फ्रुक्टोज 1,2 बाय फास्फेट 1,6 बाय फास्फेट कन्वर्टेड टू गैलोसराइड 3 फास्फेट एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ अल्डोलेज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्डोलेज. नेक्स्ट रिएक्शन कौन पड़ेगा? ये वाला डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज. ये आगे नहीं जाता है रिएक्शन में, ये इसमें कन्वर्ट होके ये आगे जाता है रिएक्शन. तो अभी ये फॉर्म पढ़ो कोई, ये वाला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और ये रिएक्शन कौन पढ़ेगा? निकिता, उज्ज्वला और कौन? अरे पढ़ो, गलत हुआ तो भी चलेगा. मैं हूँ यहाँ पे इसलिए मैं बैठू कि गलत हो गया तो भी मैं कुछ बोलने वाली नहीं हूँ. सुगन्या,
पढ़ो अब रिएक्शन, यहां से पढ़ो। गन्या ठीक है, ग्लिसराइडिया 3-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होता है। हाँ कोमल आप सारे रिएक्शन पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कोमल सारे रिएक्शन पढ़ेगी। ग्लिसराइडिया 3-फॉस्फेट ग्लिसराइडिहाइड, बेटा ग्लिसराइडिहाइड 3-फॉस्फेट ग्लिसराइडिहाइड 3-फॉस्फेट कन्वर्ट 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड ये नहीं होता है। ये सिर्फ उन्होंने कन्वर्जन बोला है, जब एरोबिक रहेगा तो पाइरोवेट में कन्वर्ट होगा हमारा ग्लूकोज, और जब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस रहेगा तो जो ग्लूकोज है वो लैक्टेट में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजन। तो एंजाइम्स लिख लिया सबने, एंजाइम्स और साइकल्स लिख लिया सबने, कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें? यही रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा ना, ग्यारह स्टेप्स है हमारी पूरे साइकिल में। भी फेट ऑफ पाइरुवेट, फेट मतलब क्या होता है ना, जब पाइरुवेट है मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज जो है वो आपके बॉडी में पड़ा है, तो वो जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। अभी हमने पढ़ा ना अभी, ग्लूकोज जो पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो अगर बहुत सारी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है तो वो बहुत ज्यादा ग्लूकोज जो है वो कट 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 होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगा? पाइरुवेट में। इसलिए जितने क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज है उतना क्वांटिटी ऑफ अभी पाइरुवेट बन जाएगा। तो अगर वो ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में स्टोर है, उस कंडीशन को फेट ऑफ बोलते हैं। उस कंडीशन को फेट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा है पाइरुवेट। ओके, इट डिपेंड ऑन अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन जिसे हम बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 4 एटीपी एंड यूज 2 एटीपी। तो जब एरोबिक कंडीशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तब क्या होता है, 4 एटीपी प्रोड्यूस्ड होते हैं और 2 एटीपी यूज्ड होते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने एटीपी पड़े हैं अभी? 2। ग्लाइकोलाइसिस के एक पाथवे में हमें कितने एटीपी मिलते हैं? 2 एटीपी मिलते हैं, यहां तक के स्टेप। फिर आगे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस 2 NADPH + 2 हाइड्रोजन आयन, दिस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन enters to ETC, electron transport chain, and produce 2 into 3 is equal to 6 ATP. मतलब दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH मुझे 3 ATP के मॉलिक्यूल्स देता है, एक मॉलिक्यूल मुझे 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स मुझे कितने ATP देंगे? 6। इसलिए 2 into 6 किया यहाँ पे। एक NADPH 3 ATP देता है, ये कैलकुलेशन समझा? एक NADPH 3 ATP मॉलिक्यूल देता है, चाहिए तो लिख लो, एक NADPH से हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसलिए अगर हमारे पास 2 NADPH पड़े हैं तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, 2 into 3 is equal to 6 ATP। ये एरोबिक कंडीशन में हो रहा है, ये सब कुछ एरोबिक कंडीशन का एक्सप्लेन कर। Therefore, under aerobic condition, glycolysis produces total 6 ATP.
कहां से 8 एटीपी सॉरी ये 8 एटीपी से कहां से आए ये 6 प्लस ये 2 ऐसे टोटल 8 एटीपी हो गए एरोबिक कंडीशन वाले एरोबिक कंडीशन वाले 8 एटीपी कैसे आए समझा यस मैम हां ये भी आपको एक्सप्लेन करना है जब आप साइकिल लिखोगे साइकिल लिखने के बाद आपको ये पॉइंट्स भी लिखने हैं तो फिर मतलब से साइकिल ड्रा करके कुछ होगा नहीं आपको ये एटीपी कितने प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक्सप्लेन करना फिर ये था एरोबिक कंडीशन वाला मेंशन करना जो लिख रहे हो वो मेंशन करके लिखो ये एरोबिक कंडीशन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम बोलते हैं वो था अभी अंडर एनएरोबिक कंडीशन जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं वहां पे क्या होता है अंडर एनएरोबिक कंडीशन द पाइरूवेट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइकोलिसिस इज रिड्यूस्ड बाय NADH plus H to lactase end product lactase in the presence of enzyme lactate dehydrogenase जो अभी हमने पढ़ा so ATP gain under anaerobic condition to 2 ATP तो हमें anaerobic condition में दो ही ATP मिलते हैं ये reaction है ये meeting 10 मिनट में बंद हो जाएगी start करें तो पाइरूवेट तक हमने पढ़ा था तो पाइरूवेट फर्दर कन्वर्ट होता है लैक्टेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमने यहां पे भी पढ़ा था साइकिल पाइरूवेट जो है वो विद हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट होता है लैक्टेट में ये एनएरोबिक कंडीशन में होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर जब ऑक्सीजन रहेगा तब यहां तक ही स्टॉप हो जाएगी रिएक्शन आगे नहीं जाएगी समझा दोनों रिएक्शंस का डिफरेंस समझा एरोबिक एंड एनएरोबिक यस मैम हां एरोबिक कंडीशन में कितने एटीपी बनते हैं 8 मैम 8 हां गुड फिर सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्यों होना चाहिए या फिर ग्लाइकोलिसिस का इंपॉर्टेंट क्या है सिग्निफिकेंस तो ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रिंसिपल रूट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल जो अभी हमने पढ़ा कि अगर मुझे ग्लूकोज बनाना है बॉडी में तो हमें ये साइकल्स हमारी बॉडी में होनी चाहिए तभी ग्लूकोज बनेगा ग्लूकोज जो है वो टूटेगा सॉरी ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी सिर्फ ग्लूकोज खाने से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी ये जब साइकिल ग्लूकोज को तोड़ेगा तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसका माइक चालू है प्रणय माइक ऑफ कर इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल सिग्निफिकेंस इज एबिलिटी ऑफ द ग्लाइकोलिसिस टू प्रोड्यूस एटीपी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अलाउ टिश्यू टू सर्वाइव इन एनोक्सिक एपिसोड मतलब जो ये साइकिल है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होती है इसीलिए अगर हमें हमारे पास हम ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा नहीं ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं हम सरवाइव कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब लाइक जिम में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो ऑक्सीजन की लेवल कम कम हो जाती है बॉडी में फिर भी ग्लाइकोलिसिस जो है वहाँ पे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होते हैं इसलिए मसल्स या फिर मसल सेल्स जो है वहाँ पे एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होते हैं और हम लोग मतलब ग्लाइकोलिसिस की पाथवे हर जगह पे चालू रहते हैं भले ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंस हो इट जनरेट प्रीकर्सर्स फॉर द बायोसिंथेसिस पाथवे प्रीकर्सर्स मतलब ये ऐसे केमिकल्स बनाता है जो आगे जाके दूसरी साइकिल्स के लिए यूज होते हैं फॉर एग्जाम्पल पाइरूवेट ग्लूकोज का पाइरूवेट में जब कन्वर्ट हो जाता है तो पाइरूवेट को एक प्रीकर्सर बोला गया क्यों क्योंकि पाइरूवेट जो है वो आगे के साइकिल्स में काम आएगा तो पाइरूवेट में भी ट्रांस अमाइनेस टू अमीनो एसिड पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एसिड से उसका नाम है एलएनए ये मत याद रखो इसे बता रही हूँ मैं कि क्या किसका यूज क्या है इन एरिथ्रोसाइट ग्लाइकोलिसिस सप्लाई 2-3 बीपीजी व्हिच रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन बाय द हीमोग्लोबिन तो जो एरिथ्रोसाइट मतलब आधी चीज में जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद 2-3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट जो बनता है
जो अभी हमने पढ़ा 2,3,5-फॉस्फेट ग्लिसराइड, वो उसका यूज क्या होता है, वो ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन. तो ये जो बीच बीच में जो प्रीकर्सर्स बन रहे हैं ना, प्रीकर्सर्स, इन्हें प्रीकर्सर्स बोला जाता है. ये जो बनते हैं ना ग्लिसराइडिया 3-फॉस्फेट, लैक्टेट, पाइरूवेट, इनको प्रीकर्सर्स बोला जाता है. तो अगर प्रीकर्सर्स ये वर्ड कहाँ पे आया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनको ही हम प्रीकर्सर्स बोलते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के बाद. सब गए आ तक? यस मैम. फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, it is a energy air process where the oxygen act as a terminal electron acceptor. aerobic, aerobic matlab jahan pe presence of oxygen, to oxygen ke jahan pe presence of oxygen hai wahan pe hame jo energy milegi us pure process ko aerobic respiration bola jata hai. so aerobic respirations can divide into 4 phase, to uske bhi 4 cycle hai. राइट ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ द पाइरूवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम, जो पाइरूवेट है उसको और कन्वर्ट होता है आगे जाके एसिटाइल कोएंजाइम से. सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसको TCA साइकिल बोला जाता है, और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. मतलब अभी तक जो हमने साइकिल पढ़ा एरोबिक कंडीशन वाला, उसके आगे का जो प्रोसीजर है जहाँ पे ATP बनते हैं और पाइरूवेट है जो एंड प्रोडक्ट है, अभी वो वैसे ही पड़ा नहीं रहेगा. पाइरूवेट दूसरी साइकिल में जाके एंटर करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा. तो उसका जो नेक्स्ट साइकिल है वो TCA साइकिल होता है. ग्लाइकोलाइसिस के बाद TCA साइकिल होता है हमारे बॉडी. और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं, तो वहां पे जाके वो ATP में कन्वर्ट होते हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक चेन ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे ये सारे जो ATP है, NADPH जो है वो जाते हैं और ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज अ पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स व्हिच ब्रिंग अबाउट पाइरूवेट टू एसिटाइल कोए. जो लास्ट में पाइरूवेट बना है ना, वो पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम है उसके मदद से पाइरूवेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम्स में. पाइरूवेट में 3 कार्बन कंपाउंड है और एसिटाइल कोए में 2 कार्बन कंपाउंड है. दिस पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कंसिस्ट ऑफ 3 एंजाइम्स एंड 6 कोफैक्टर. कोफैक्टर्स जो है वो एंजाइम्स के साथ आते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हेल्प करते हैं. तो इसमें कौन से एंजाइम्स हैं? पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस, डाइहाइड्रोकोलीन, ट्रांस एसिटेट, डाइहाइड्रोलाइपोलीन, डिहाइड्रोजिनेस, ये सारे एंजाइम्स हैं और 6 कोफैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के साथ आते हैं. कोफैक्टर क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शंस में मदद करते हैं. लाइपोलेट, NADE+, FAD+, कोएंजाइम ए और मैग्नीशियम Mg2+, ये सारे कोफैक्टर्स हैं और ये एंजाइम्स हैं. इतना पूछा नहीं जाता आपको, सिर्फ साइकिल पूछे जाते हैं. ये जस्ट हमारे स्टडी में है तो हम पढ़ रहे हैं. तो जो PDH पाइरूवेट डाइहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम्स है वो कौन सी रिएक्शंस करता है? पाइरूवेट प्लस PPP कन्वर्ट करता है हाइड्रोक्सी इथाइल प्लस TPP, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस. फिर यही डाइहाइड्रोक्सी इथाइल TPP ऑक्सीडाइज लाइपोमाइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल प्लस लाइपोमाइड. अभी रेगुलेशन ऑफ द पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, रेगुलेशन मतलब इस एंजाइम की हमारे बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों होना चाहिए ये एंजाइम. अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो पाइरूवेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा. तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एंड प्रोडक्ट.
जो पाइरूवेट है वो एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए प्लस एनएडीएच इनहिबिशन, मतलब अगर ये एंजाइम ही नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो कन्वर्जन नहीं होगा, पाइरूवेट कन्वर्ट नहीं होगा एसिटाइल कोए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ये एंजाइम्स क्यों लगते हैं? क्योंकि ये इस एंजाइम्स की मदद से जो केमिकल रिएक्शंस है वो होते हैं, मगर अगर ये एंजाइम्स नहीं है हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो नहीं होंगे, इसलिए एंजाइम्स को भी पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट है। जो फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है वो रेगुलेट करता है फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ द फॉस्फेट एंड डीफॉस्फोराइलेशन रिमूवल ऑफ द फॉस्फेट। तो फॉस्फेट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एटीपी तीन फॉस्फो मॉलिक्यूल्स एडीपी दो फॉस्फेट में जब कन्वर्ट होते हैं तो एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए मतलब एनर्जी के प्रोड्यूस करने के लिए हमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है वो इम्पोर्टेंट।